ईडी ने बहुचर्चित सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी विपिन कुमार उर्फ विपिन कुमार शर्मा को भागलपुर से गिरफ्तार कर मंगलवार को पटना स्थित पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। विपिन शर्मा को सृजन घोटाले का मुख्य सूत्रधार माना जाता है। विशेष कोर्ट में पेश होने के बाद इसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्र ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उसे फिलहाल फुलवारी शरीफ जेल में रखा गया है। 1 अक्टूबर को फिर से पेशी होगी। विपिन शर्मा पर आरोप है कि करोड़ों के सृजन घोटाले में उसने अधिकारियों और कई प्रमुख नेताओं के साथ पैसे के लेन देन में अहम भूमिका निभाई है। उसके कई सफेदपोशों से अच्छे संबंध भी है। सृजन महिला सहयोग समिति की प्रमुख स्वर्गीय मनोरमा देवी और उनके बेटे अमित कुमार एवं बहू रजनी प्रिया के साथ भी उसकी बेहद निकट संबंध थे। जांच में यह बात सामने आई कि सृजन घोटाले के पैसे में उसने अपनी पत्नी रूबी देवी के नाम पर काफी जमीन जायदाद खरीद लिया है। साथ ही पत्नी को सृजन सहयोग समिति के कोर ग्रुप मेंबर में भी शामिल कर रखा था। इन्हीं कारणों से सीबीआई ने कुछ दिन पहले उनकी पत्नी रूबी देवी को भागलपुर की तिलका मांझी स्थित हनुमान पथ स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। कुछ समय पहले ईडी ने सृजन घोटाले के आरोपियों की अवैध संपत्ति भागलपुर नोएडा समेत अन्य स्थानों पर जब्त की थी। इसमें विपिन कुमार और उनकी पत्नी के नाम से मौजूद संपत्तियां भी शामिल है। अगली बार जब 1 अक्टूबर को उनकी पेशी कोर्ट में होगी तो ईडी उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करने से संबंधित अनुरोध कोर्ट से करेगी। ईडी उसे रिमांड पर लेकर कई अहम पहलुओं पर पूछताछ करेगी। इसमें कई बड़े लोगों के नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है।